Hello guys, welcome back to DNA Vlogs, and today I'm at SK Auto Care. As you can see, the venue, and we're working on a friend's bike. ये उसी friend की bike है जिसके हमने brake के काम किया था SK पे, and आज इस पर अभी हम काम करने वाले हैं on the front suspension. Front oil seal गए हुए हैं, so that is getting replaced, and I thought I should quickly capture all the stuff that is being done or what is being done. तो जब आप भी काम कराओ तो आपके पास सेम काम हो सकता है. अब जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको एक रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू हिट दी सब्सक्राइब बटन. डोमिनार के 200 प्लस वीडियोस हैं. तो आगे बढ़ते हैं. अभी हमारे भाई ने फ्रंट टायर एंड फ्रंट कैलिपर वगैरह निकाल लिया है. ये बहुत से और वीडियोज़ में दिख जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है. सेकेंडली, यू विल नीड अ स्टैंड लाइक दिस एंड अ जैक लाइक दिस. ये दोनों सपोर्ट के लिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए डाला है. पीछे बाइक इज ऑन अ पैडॉक सो दैट इट डजंट स्लिप. ओके, सो बाइक जो है सब तरीके से, सब जगह से सिक्योर की हुई है. ओके, सो दिस इज़ अ बजाज OEM प्रोडक्ट विच इज़ यू नो यू गेट फॉर ऑल सर्विसिंग एंड ऑल द स्टफ वे यू डोंट हैव मेन स्टैंड. तो अब फ्रंट मडगार्ड निकल रहा है जो कि यहाँ पे अंदर बोल्ट्स है. वेन एवर यू वॉन्ट टू रिप्लेस द फ्रंट मडगार्ड, मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है इस पर. हमारे दीपक सर की बाइक थी, यहीं पे चेंज किया था, वो वीडियो है. यू कैन एक्चुअली, जो आप मेरा डोमिनार का प्लेलिस्ट है ब्राउज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. यू विल सी लॉट ऑफ सच DIY स्टफ्स. बाय द वे, ये वीडियोस मैं इसलिए डालता हूँ, इट्स नॉट नेसेसिटी कि आपको DIY में हेल्प करेगा, वो तो हेल्प करेगा ही, वेरी लेस पीपल टू DIYs. बट अगर आप ये काम कहीं और करा रहे हो तो आपको हेल्प मिल जाएगी कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या केयर लेना चाहिए, वो सामने वाला सर्विस सेंटर उतना केयर ले रहा है कि नहीं ले रहा है. तो ये सब आपको बेसिक हेल्प मिल जाएगी आफ्टर सीइंग दिस वीडियो. बाय द वे, सुशांत ऑल्सो हैज़ अ यूट्यूब चैनल SK ऑटो केयर करके, उसका लिंक आई लीव इट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. ही हैज़ ऑल्सो पुट बहुत यू नो बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोज़ डाले हैं, तो अगर आपको वो चेक करने तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, यू कैन चेक दोज डिटेल्ड वीडियोज. सो ये एक साइड का फोर्क निकाल लिया है क्योंकि उसी साइड के फोर्क में इशू है, ये ऑयल लीक हो रहा है, तो ये ऑयल सील चेंज होंगे. उसको निकालने के लिए, फोर्क को निकालने के लिए बहुत आसान है. यू हैव टू जस्ट लूजन वन बोल्ट एंड टू बोल्ट. ऑफ कोर्स ये सब पहले खोलना है, लेकिन ये दो बोल्ट्स खोलेंगे, उसके बाद फोर्क कैन स्लाइड डाउन एंड ये ऐसे फोर्क हाथ में आ जाता है. फोर्क इन द सेंस दिस इज द इनर ट्यूब एंड आउटर ट्यूब. तो ये फोर्क असेंबली राइट साइड की बाहर आ गई. यू नीड पावर टूल्स टू रिमूव दीज बोल्ट्स एंड ऑल, जिससे आसान हो जाता है निकलने को. ये एक एक करके आपको पार्ट निकलेगा. दिस इज़ अ स्पेसर. आपने ये मेरे सस्पेंशन के वीडियो में देखा रहेगा, सस्पेंशन रेजर के वीडियो में, 2017-18 सस्पेंशन रेजर. एंड ये निकला अंदर से, स्प्रिंग बाहर आ रही है, एंड यू कैन सी ऑयल इज़ इन गुड कंडीशन राइट नाउ, द गोल्डन ऑयल दैट इज़ फॉलिंग. बट ये ऑयल ज़्यादा दिन ऐसे रहता था, अगर सील जल्दी चेंज नहीं होता है तो डस्ट गेट्स इन साइड, ऑयल गोज़ बैड. देखो ये काला ऑयल निकला, अभी थोड़ा सा काला है. ये आवाज काफी फनी है. सो इफ यू डोंट चेंज दिस सील ऑन टाइम, यहां से डर्ट एंड ऑल विल गो इनसाइड. वंस डर्ट एंटर्स इनसाइड, मड एंटर्स इनसाइड, ये जो वॉल, जो इनर ट्यूब है और जो आउटर ट्यूब है, ये जब दोनों यू नो दे रन ईच अगेंस्ट ईच अदर, दैट टाइम इफ मड कम्स इन बिटवीन, इस पे ग्रूव्स आएंगे इनर ट्यूब पे या फिर आउटर ट्यूब पे फ्रॉम इनसाइड, एंड देन योर सस्पेंशन विल फेल इन नो टाइम. यू विल हैव टू चेंज बोथ आउटर एंड इनर ट्यूब. सो जैसे ही आपको थोड़ा सा भी अगर यहाँ से लीक दिख जाता है, गेट टू द नियरेस्ट सर्विस सेंटर एंड गेट द ऑयल सील्स रिप्लेस्ड. दिस टी, अभी ये टी फंसा है अंदर. ऊपर एक 22 mm का बोल्ट है टी के ऊपर, सॉरी नट है, विच ओपन्स द एलन इनसाइड समवेयर हियर. वो जब बाहर निकलेगा, मैं आपको दोनों भी पीसेस दिखाता हूँ, दोनों भी टूल्स एंड अंदर कैसा बोल्ट है वो दिखाता हूँ. तो ये ऊपर से खुलता है एक्चुअली, एंड नीचे का पकड़ के रखता है जगह पे. सो यू अनलॉक फ्रॉम द टॉप एंड देन योर बोल्ट गेट सेपरेटेड इनसाइड एंड ये कुछ ऐसे बाहर आता है. दिस इज़ द न्यूमैटिक पाइप या फिर विच हेल्प्स द न्यूमैटिक वर्क. दिस इज़ वॉट इज़ देयर इनसाइड. तो यहाँ से अनबोल्ट होता है एंड दिस इज़ दी नट काइंड ऑफ बोल्ट काइंड ऑफ हेड विच गेट्स लॉक्ड इन दिस नट विच इज़ वेल्डेड ऑन दिस
इट्स एक्चुअली अ टूल फ्रॉम बजाज, ये बजाज के पास एक टूल है जिससे ये यू कैन ओपन दी फोक ट्यूब. सो इसको स्लाइड टैप करके वी हैव रिमूव दी ऑयल सील. दिस इज द आउटर ऑयल सील. इसके अंदर और एक इनर ऑयल सील होती है, वो भी निकालनी है, दोनों रिप्लेस करना है. सो ये पिस्टन रिंग टाइप एक लॉक निकला पहले, एंड नाउ इज पंपिंग आउटसाइड, जिसकी वजह से ये सेकेंड ऑयल सील बाहर निकला है. सॉरी द वीडियो माइट बी अ लिटिल यू नो शेकी एंड ऑल, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट देयर टाइम, साइड बाय साइड में शूट कर रहा हूँ. तो ये निकला हमारा इनर ऑयल सील, एंड उसके बीच में ये लॉक आता है, एंड देन योर आउटर ऑयल सील, एंड एवरीथिंग सिट्स इन दिस कॉलर इन साइड द आउटर ट्यूब. तो अब कर रहे हैं असेंबली, जो तो अब शुरू हो रही है असेंबली. ये पंप जो है न्यूमैटिक पंप, ये वापस डाल दिया है ऊपर. नेक्स्ट वी गोना पुट दी आउटर ट्यूब ओवर इट. ओके, ये चले गया अंदर. ये निकाला इसलिए था सो दैट यू कैन क्लीन एवरीथिंग फ्रॉम इनसाइड. जो भी पुराना ऑयल, गंदा ऑयल रहेगा, यू हैव टू रिमूव इट आउट, एंड देन यू नो देन इंस्टॉल द ऑयल सील्स, एंड देन पुट द न्यू ऑयल. तो सो दिस इज द बुश दैट गेट्स लॉक्ड एट द टॉप, एंड उसके बाद ये अपना बॉटम या फिर आउटर ट्यूब, एंड इसके अंदर रहेगा एक बोल्ट, एक वॉशर रहेगा, उसके ऊपर एक बोल्ट थ्रेड से टाइट होएंगे. आई वोंट बी एबल टू शो यू क्लियरली. हाँ, अभी दिख रहा है देखो. तो यहाँ पे अभी बोल्ट डाल के टाइट कर रहे हैं. सो ये जो ऊपर का बोल्ट है वो 8 नंबर के एलन की से टाइट होता है. ये रही 8 नंबर की एलन की. The assembly again once with a dry cloth, clean cloth. Okay, and then we'll start installing the, putting the oil seals inside. अंदर oil seals अभी डालना शुरू करेंगे. ये गया distance first. ये उसका एक और washer, नहीं ये lock था ना, नहीं washer था ये. This is washer. Lock is still here. And now we'll take the new brand oil seals. सो ये जो अभी दोनों पार्ट्स डाले, स्पेसर और वॉशर, डोंट पुश इट इनसाइड विद अ स्क्रूड्राइवर. स्क्रूड्राइवर से पुश नहीं करना है, एक प्रॉपर ऐसे सिलेंड्रिकल टूल लेना है, उससे डालना है अंदर, सो दैट हर साइड से प्रेशर इक्वली गिरे और वो ऐसे पूरा अंदर चले जाए. अगर आप स्क्रूड्राइवर से पुश करोगे तो एक तो इसके ऊपर स्क्रैचेस आएंगे, सेकेंडली एक साइड पे क्रॉस बैठेगा और एक साइड पे ऊपर आ जाएगा, सो इट विल फिट ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बैठेगा. बट इफ़ यू हैव अ सिमिलर सिलेंड्रिकल पाइप, उससे बिठाओ तो फिटिंग विल बी वेरी गुड, यूनिफॉर्म फ्रॉम ऑल साइड्स. सो ये हमारे नए ऑयल सील्स हैं, एक ही सेट है, लेफ्ट एंड राइट को दोनों सेम सेट आता है. पार्ट नंबर इज 36JU0019 एंड कॉस्ट इज 390 रुपीज़, एंड दीज आर द न्यू ऑयल सील्स, दे आर डायरेक्ट फ्रॉम बजाज. तो ये अभी हम इंस्टॉल करेंगे बाइक में ऑन द फोर्क ट्यूब. बाय द वे दिस इज यूजी का ऑयल सील, एंड ये दोनों को मैच होते हैं. दी ट्रेडिशनल ऑयल सील या फिर जो ट्रेडिशनल बाइक है या फिर जो अपनी पुरानी बाइक है 17 और 18, उसके ऑयल सील अराउंड 790 रुपीज़ के आते हैं एक साइड के. सो ये 390 का एक साइड का यूजी का है, विच मैचेस दी 17-18 स्ट्रेट. और ये ऐसे बैठता है अंदर, जैसे ग्लाइड हो जाएगा अंदर. इसको भी आपको इंस्टॉल करना है बहुत आराम से. इसको और अंदर डालने के लिए टेक योर ओल्ड ऑयल सील. ओके, ये पुराना ऑयल सील लो, उसके ऊपर रखो, एंड देन टैप इट स्लोली विद दी, आराम से इससे टैप करो विथ योर पाइप, एंड इट विल गो इनसाइड. सो विल रिमूव दी पुराना ऑयल सील बाहर, एंड आप देखोगे तो नया वाला अंदर अच्छे से बैठ गया है. नेक्स्ट ये गया अंदर लॉक, सो दैट दी इनर ऑयल सील डजंट कम आउट. वो ऑपरेशन के टाइम पे जब इनर ट्यूब ऊपर नीचे होती है तो अंदर वाला ऑयल सील शुड नॉट कम आउट, उसके लिए ये लॉक है. And there's a collar inside the outer tube in which the lock fits. और ये अब outer oil seal अंदर जा रहा है. Dust cover है ये. So ये almost press करने से easily बैठ जाता है, मतलब हाथ से pressure लगा के बैठ जाता है. But make sure ये uniformly चारों side से अंदर आपने press किया है ठीक से. Now putting the स्प्रिंग इनसाइड. स्प्रिंग को अंदर डालने से पहले पूरा क्लीन कर ले अच्छे से, एंड देन यू विल रिक्वायर 400 ml ऑफ ऑयल, वही यूज़ करेंगे सुशांत भाई.
तो ये अंदर हो गया, डिस्टेंस वगैरह डाल दिया, अब जा रहा है ऑयल। यू हैव टू ऐड कंप्लीट 800 ml, 400 ml इनसाइड, 800 ml दोनों साइड का मिला के होगा। तो इसको वापस हाइड्रोलिक से, हाइड्रोलिक गन से टाइट कर दिया है अभी। सो ये इंस्टॉलिंग मड गार्ड बैक। तो ये प्राइजेस और एंड पार्ट जो है दोनों वीडियो के कॉमन रहेंगे। सुशांत इज नाउ टेकिंग द बाइक आउट टू चेक द फ्रंट सस्पेंशन एज वेल एज दी पीछे का जो ब्रेक का काम किया, दोनों एक साथ टेस्ट होंगे। इतना सब काम होने के बाद रेयर ब्रेक का जो पूरा चेंजेस किए और फ्रंट सस्पेंशन चेंज किया, ये सब होने के बाद बिल हुआ है 3938। सो गाइज आई एंड द वीडियो हियर, सब कुछ काम खत्म हो चुका है। आई होप यू लाइक द वीडियो कंटेंट। इफ येस, लाइक बटन ज़रूर दबा देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड आपके अगर फ्रेंड्स या फैमिली में हु ओन डोमिनार और हु वुड लाइक टू नो मोर अबाउट डोमिनार कि क्या होता है, कैसा होता है, क्या चीज़ें होती है, क्या इश्यूज़ आते हैं, तो यू कैन शेयर द वीडियोस विद देम। शेयर इट ऑन योर डोमिनार ग्रुप्स ऑल्सो, वे योर पार्ट ऑफ ग्रुप्स। एंड एसके ऑटो केयर का कॉन्टैक्ट आई लीव इट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, उनका भी चैनल है, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा। So thanks for watching and see you in a new video very soon. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.